डेडीहाड़ी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, आज आपको टीवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। हर साल भारत में करीबन 4% लोग टीवी से अपनी जान गंवाते हैं। टीवी यानी क्षय रोग एक संक्रमित बीमारी है जो हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। यदि सही समय पर टीवी का सही इलाज न किया जाए तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं टीवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। टीवी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह बीमारी सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नहीं बल्कि शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है। यदि सही समय पर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर टीवी कैसे फैलता है। टीवी फैलने के मुख्य कारण है किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, खुले में छींकने से, खांसने से, थूकने से, गंदगी अथवा सफाई न रखने से। टीवी कुछ वर्ग के लोगों में सामान्य से अधिक होने का खतरा रहता है, जैसा कि ऐसे लोग जो कुपोषण से ग्रस्त हों या वो लोग जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हों, किसी नशीली दवा का सेवन करने वाले लोग, सफाई न रखना अथवा प्रतिरक्षा दमन यानी कि इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन इस वर्ग के लोगों में अधिक होता है, जैसा कि एड्स से पीड़ित लोग या स्टेरॉइड्स का लंबे समय से इस्तेमाल करना। अब हम बात करते हैं टीवी के लक्षणों के बारे में। टीवी के लक्षण: दो या दो से अधिक हफ्ते तक खांसी होना, शाम को हल्का बुखार रहना, बलगम में खून आना, वजन कम होना या सांस लेते वक्त सीने में दर्द होना। तो आइए अब जानते हैं कि हमारे देश की जनता टीवी के बारे में कितना जानती है। ये बताओ, आपको टीवी पता है टीवी क्या होता है? पता है टीवी बीमारी के बारे में पता है? नहीं पता। ओके ठीक है। आपके आपके घर में किसी को खांसी हो रही है? आपको हो रही है। टीवी के बारे में टीवी के कुछ आइडिया है क्या होता है? टीवी बीमारी बताइए। और आइडिया क्या होता है आपको? पता है टीवी क्या होता है? टीवी नहीं नहीं पता। अच्छा तो आपको पता है टीवी क्या होता है? टीवी खांसी आती है, सूखी खांसी। अच्छा और फिर हो गए गलगम जल जाता है। हाँ और खांसने पर खून भी आता है। कैसे फैलता है टीवी? क्या आपको पता है कि इसका इलाज है, कहाँ पे होता है, क्या है? टीबी हॉस्पिटल में होता है। तो टीबी कैसे फैलता है? फैलता है जैसे छींकने से, संपर्क में आने से और इधर उधर छूने से और भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से फैल सकता है। टीबी की बीमारी कैसे फैलती है? टीबी कोरोना की तरह फैलता है, जैसे कोई अपना मास्क उतार देता है, छींकता है और थूकता है और भीड़ भाड़ में भी होता है। ये बीमारी के बारे में आप क्या जानते हो? ये जानते हैं कि एक हफ्ते तक अगर खांसी होती है, उसमें अगर ब्लड आता है, उसका खाता है, तो टीबी होती है। कैसे ये फैल सकता है? हाँ फैल सकता है, उनके आगे हम खांसेंगे तो हमारे साथ रहेंगे तो संपर्क में आएंगे तो सर। आपको मालूम है? सुना ही नहीं है। टीबी के बारे में आप क्या जानते हैं? टीबी 16 तरह की होती है। अच्छा, एक फेफड़े में होती है, लंग्स में होती है, हड्डियों में भी होती है, लीवर में होती है, मतलब और कई तरह की होती है। और टीबी में खाने पीने का अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अगर आपके ट्रीटमेंट चाहिए चल रहा है तो वहाँ पर दवाई बराबर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए डॉक्टर को समय समय पर और डाइट अच्छा लेना चाहिए। और टीबी से बचाव के क्या तरीके होते हैं, आपको क्या लगता है कैसे फैलती है टीबी? खांसने से फैलती है, छींकने से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क से भी फैलती है। इसलिए टीबी हो तो अपने बच्चों को अलग बर्तन रखना चाहिए, अपना बच्चे से दूर रहना चाहिए। टीबी का इलाज कैसे आपको क्या लगता है, संभव है टीबी का इलाज? हाँ संभव है इलाज। उसके इलाज के बारे में मेरे लीवर को भी हुआ था, उसको लीवर में हुई थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा 6 महीने, आज वो ठीक है बिल्कुल। 6 महीने मैंने लगते उसके इलाज कराया, दवाई दवाई हर महीने टेस्ट होते थे, बिल्कुल ठीक है। आज डॉट्स केंद्र के बारे में सुना है आपने? डॉट्स केंद्र नहीं सुना है? टीबी की दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं सरकार की तरफ से, समय समय पर देना पड़ता, जाना पड़ता है। हाँ डॉक्टर की जरा काशी रहती है, वो भी सकती है। टीबी की बीमारी कैसे फैलती है ये मालूम है आपको? टीबी की बीमारी होने के बाद आदमी के एक जानवर के बाद गर्म गर्म शरीर बात करती है, आवाज फैलती है टीबी के साथ चली जाती है। तो इसके लिए पेशेंट है टीबी का, उसको समाज सुधार के रखिए अपाइन पेमेंट होगी। और आपको क्या लगता है टीबी किसी को हो जाए तो इसका इलाज संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है, इसकी दवाई हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध होता है इसका किसी भी जगह पर, सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पर भी हो वहीं पर फ्री में दवाई मिलती है। डॉट्स के बारे में सुना है आपने?
हाँ रोड सेंटर है, इनके अलग चीज़ है, हॉस्पिटल में अलग चीज़ें मैं दी गई हैं, रोड सेंटर बनाया गया है ताकि टीबी को जल्द से बंद किया जा सके। बाहर से फैलने होते हैं टीबी के, और ये कैसे फैल सकता है आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? हाँ, जैसे मरीज के खाने पीने या जुकाम से और खांसी से ऐसे। अच्छा, इलाज में पहले तो हम टीबी हॉस्पिटल गए थे, हमारे बेटे को 15 दिनों से खांसी आ रही थी। अच्छा, फिर हमने जांच करवाया, जांच कराने से पता चला कि टीबी की शिकायत है, मतलब शुरुआत ही है, तो हम लेके आए, शुरुआत ही है, तो हम लेके आए। और अब आप आपको ऐसा लगा कि टीबी होने के बाद की लोगों का बर्ताव आपके लिए बदल गया हो या कुछ ऐसा महसूस किया? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा महसूस हुआ है कि लोग थोड़ा दूरियां बनाने लगे और बोलते भी है कि बच्चे से थोड़ा संपर्क में ना आए बच्चों को। टीबी का जो लक्षण है वो गवर्नमेंट से फोन आना, या एक अभी मेरे पास जो करेंट पेशेंट वो है कि वो खाते वाले से बलेगा दूसरे की शरीर को थोड़ा डैमेज करता ही करता है, और उसका 6 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने के कोर्स के बाद वो फिर से उसको टेस्ट कराया जाता है, फिर वो सांस के द्वारा भी होता है, सांस के धक्के द्वारा होता है, अगर उसका जूठा खाने के कारण भी वो हो जाता है, ये इलाज संभव है। दौड़ानी के ड्राई कफ की धीरे धीरे उसका वेट कम हो रहा था, खाना खाने के मन नहीं था, बिहेवियर चेंज हुआ हो नहीं ऐसा कुछ नहीं। टीबी हुआ था मुझे खांसी होने के बाद 5-6 हज़ार 1 महीना हो गया था, तब मुझे टीबी टीबी अस्पताल में ही दिखाया। हाँ, आसपास के लोगों का कोई बर्ताव चेंज हुआ था आपके तरफ से? मतलब बचाव का घर वालों से बचाव किए, घर वालों ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश की जनता और बच्चे भी टीबी के बारे में काफी जागरूक है, तो टीबी से घबराए नहीं क्योंकि टीबी से इलाज संभव है। आइए जानते हैं अब हम टीबी से बचाव के तरीकों के बारे में। मास्क का इस्तेमाल करें, खांसते या छींकते वक्त अपनी कोहनी या रुमाल का इस्तेमाल करें, बच्चों को बीसीजी का टीका अवश्य लगवाएं और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से भी बचें। यदि आपको 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और टीबी की सही शिक्षा लें और अपने साथ वालों को भी जागरूक करें। टीबी से घबराएं नहीं क्योंकि यदि सही समय पर सही इलाज ले लिया जाए तो टीबी से जंग हम जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा देश भर में अनेक डॉट केंद्र बनाए गए हैं, यह डॉट केंद्र टीबी के लिए निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराते हैं, तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण आ रहे हैं या टीबी का खतरा महसूस हो तो अपने नज़दीकी डॉट केंद्र में संपर्क करें। धन्यवाद।